गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फरीद अहमद। हरपुर बुधाट व सिकरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने ईट भट्टे से ट्रैक्टर ट्राली चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान लल्लन पूर्व हरिश्चंद निवासी ग्राम भेउसा उर्फ बनकटा टोला पोखरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा गंगा सिंह उर्फ शिवम पुत्र धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम भेउसा उर्फ बनकटा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा धीरज शर्मा पुत्र शमशेर शर्मा निवासी बरहुई थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, चौथा निशांत उर्फ बालाजी पुत्र राम नदर निवासी ग्राम भेउसा और बनकटा टोला बरहुई थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक ट्रैक्टर चेसिस व इंजन को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 1 फरवरी की रात थाना हरपुर बुधाट क्षेत्र के ईट भट्टे पर चौकीदार को मारपीट कर बंधक बनाकर अगवा करके ट्रैक्टर ट्राली की डकैती करने के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हरपुर थाने में एक भट्टे पर एक ट्रैक्टर ट्राली की लूट 1 तारीख को हुई थी, उसी में थाना हरपुर बुधाट की पुलिस को सफलता मिली है 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उनसे ट्रैक्टर ट्राली बरामद किया गया है। इन 4 अभियुक्तों के नाम लल्लन गंगा सिंह धीरज शर्मा और निशांत हैं। इनके पास से ट्रैक्टर ट्राली की बरामदगी की गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास इनका पता किया जा रहा है और जैसा भी इतिहास अगर आएगा तो अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य बात यह है कि इसके अनावरण में CCTV व मैनुअल इंटेलिजेंस का ज़्यादा प्रयोग हुआ है और इसी से ये पूरा पकड़ में आया है। बरामदगी में एक ट्रैक्टर है और एक ट्राली है।